संत मुरारी बापू की रामचरितमानस कथा की पोथी को शनिवार को शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ के गर्भगृह में पूजन किया गया। मुरारी बापू की रामकथा के मुख्य यजमान श्री कृष्ण जलान के पुत्र भगीरथ जलान और बहू खुशबू जलान ने श्रद्धा भाव से पूजन करने के बाद गर्भ की परिक्रमा की। इसके बाद ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेक आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, कस्तूरी ब्यास कुटिया में ठहरे मुरारी बापू ने आशीर्वाद प्रदान कर स्वयं पोथी खुशबू जलान को सौंप कर गोरखनाथ मंदिर में पूजन के लिए रवाना किया। शनिवार को दोपहर बाद 2 बजे वाराणसी से पहुंच सतुआ बाबा ने अपनी अगुवाई में गोरखनाथ मंदिर में मुरारी बापू की पोथी कार में लेकर यजमानों के साथ पहुंचे। ढोल नगाड़े की थाप और मंगल ध्वनियों के बीच गोरक्षपीठ की ओर से प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह, मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने बापू की रामायण की पोथी एवं यजमानों का स्वागत किया। इसके बाद पूजन की क्रिया पूरी कराई। कमलनाथ ने पोथी को अपने सिर पर रखकर मंदिर के गर्भगृह की परिक्रमा की। इस दौरान यजमान खुशबू जलान, भागीरथ जलान, अंकित कयाल, अभिषेक कनौडिया ने भी भारी भारी पोथी को सिर पर लेकर परिक्रमा की। यहां से ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि पर भी पहुंचकर आशीर्वाद लेकर परिक्रमा की। दोपहर 2:30 बजे पोथी लेकर सभी लोग कथा स्थल के लिए रवाना हो गए। शनिवार से 13 अक्टूबर तक मुरारी बापू की कथा चंपा देवी पार्क में आयोजित हो रही है। इस दौरान विकास जलान, दुर्गेश बजाज, विनय गौतम, आनंद गुप्ता, अमित सिंह समेत काफी संख्या में श्रद्धालु और मंदिर के पुजारी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी ने कहा,
मुरारी बापू विश्व प्रसिद्ध हैं, कथावाचक हैं, संत भी हैं। बनारस के जालान परिवार द्वारा चंपा देवी पार्क में यह कथा राम कथा आयोजित है। बहुत विशाल पंडाल बनाया गया है, यहाँ 50,000 लोग वहाँ बैठ सकते हैं। आज 5 तारीख से शुरुआत हुआ है। पोथी यहाँ जालान परिवार के लोग ले आए, महागोरखनाथ जी महाराज के सामने सम्मुख रख कर परिक्रमा करके यहाँ से फिर वहाँ पर गया है। पूज महाराज जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज 4 बजे वहाँ पर लखनऊ से आकर वहाँ सीधे चंपा देवी पार्क में पहुँचेंगे, उनके द्वारा उद्घाटन होगा। 5 बजे तक वहाँ पर कथा में बैठेंगे, श्रवण करेंगे, उसके बाद गोरखनाथ मंदिर में महाराज जी पधारेंगे, जहाँ आज अष्टमी का महानिशा हवन यहाँ आज होगा। परंपरा यह है, यहाँ रात में अष्टमी के दिन ही हवन होता है। अष्टमी आज 2:30 बजे के बाद से लगा हुआ है, इस नाते आज रात में यहाँ हवन होगा। अब पूरे विजयदशमी तक महाराज जी यहाँ पर विराजमान रहेंगे, कुमारी कन्याएं का भोजन कराएंगे, प्रसाद ग्रहण कराएंगे, वस्त्र देंगे। विजयदशमी को अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं यहाँ। परंपरा के अनुसार दिन भर का कार्यक्रम है, तिलकोत्सव होता है, शोभा यात्रा निकलती है, ये सब सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।